हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 1.2 एंड द क्वेश्चन इज 1। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन फर्स्ट इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो भी नंबर गिवन होंगे उसकी प्रोडक्ट को हमें इसके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिखाना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? चलिए फर्स्ट देखते हैं। हमारा फर्स्ट गिवन है 140। ओके, अब 140 में सिंपल जैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमें। 2 7 0, 2 3 6 एंड 5 5 पे जाएगा 7 और लास्ट में 7 से डिवाइड होगा 1। तो जो ये फैक्टर्स बने हैं इसे हम यहाँ लिख देंगे, 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 × 7। क्लियर? 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये क्या हुआ? ये जो फैक्टर्स हमें बनाए हैं यही है हमारे जो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। जो इसके प्राइम नंबर्स हैं इनकी प्रोडक्ट है, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 156। अगेन इसके फैक्टर्स करेंगे, 2 7 14 एंड 2 8 16, 2 3 6 देन 9 18। अब कितने पे जाएगा? 3 पे, 3 1 3 3 3 नाउ 13। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स? 2 × 2 × 3 × 13। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 2 की पावर 2 3 × 13। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट। बस यही हमारा आंसर है। क्लियर? अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड इज 3 8 2 5। अब फिर से इसके फैक्टर बनाते हैं, 3 8 2 5, तो 5 है लास्ट में, तो ये कितने पे जाएगा? 2 पे तो जाएगा नहीं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 5 से। 5 से करेंगे तो सबसे पहले ये जाएगा 5, 7 पे जाएगा 35, 3 आएगा तो 6 पे जाएगा, 5 6 30 एंड 5 5 25। अगेन 5 पे जाएगा 1, 5 पे 25 एंड 3। अब ये 3 पे जा सकता है, 3 5 1 नाउ, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 3 3 7 0। ओके, अब 17। अब जो फैक्टर्स आए हैं राइट इट हियर, 5 × 5 3 × 3 × 17। अब 5 के दो बार हमारे फैक्टर्स हैं, 5 की पावर 2 कर सकते हैं, फिर 3 × 2 3 की पावर 2 × 17। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स, दिस इज आवर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। ओके, हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, फोर्थ पार्ट आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट में बताना है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ये क्वेश्चन 5th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही, ये थोड़ा टिपिकल है। इसके फैक्टर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे उसे थोड़ी सी मैं ट्रिक बता रही हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। फोर्थ पार्ट आप सोल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 4 2 9। ओके, अब कितने से स्टार्ट करें? सबसे पहले डाउट ये होता है, देखिए लास्ट में डिजिट क्या है, 9, तो 2 से तो होगा नहीं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रह जाएगा। 3 से कर रहे हैं क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 से करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर रह जाता है। 3 2 6, 4 पे जाएगा 1, वहाँ लास्ट में रिमाइंडर 1 रह जाएगा। ओके, अब ऐसी टेबल्स हमें देखनी हैं जिस टेबल में 9 आ रहा हो लास्ट में। क्लियर? तभी तो हमारा ये सॉल्व होगा पूरा। ओके, 2 में हुआ नहीं, 3 में आता है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, उसके बाद आता है ये 7 में, 7 से भी करके देख लो, 7 से भी फुली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ करके देख लेते हैं, जब इसे हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 0, यहाँ 0 आया तो 6 पे गया 42 के बाद, और जब गया लास्ट में 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये इस पे भी नहीं जा रहा है, अब किस पे जाएगा? 9 9 पे भी करके देख लो, 9 पे भी नहीं जाएगा। 9 के बाद टेबल आती है 10 10, में 9 नहीं आता तो उसको नहीं लेंगे। 11 में करके देखेंगे, वहाँ भी नहीं डिवाइड होगा। 11 के बाद हमारी टेबल आएगी 12 की, 12 में भी 9 नहीं आता, उसको छोड़ देंगे। 13 में हमारा 13 टू द
26 और 13 थ्री जमा 39 होता है, मीन्स कि लास्ट में पीछे 9 आ रहा है तो इससे भी डिवाइड करके देख लेंगे, बट फिर भी रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आ रहा इसमें भी, तो भी इसको भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा 14 आता है, 14 में नहीं आ रहा 9 छोड़ दो उसको, 5 में भी नहीं आ रहा छोड़ दो, 16 में भी नहीं आ रहा उसको भी छोड़ दो। उसके बाद 17 में जब इसको हम 7 से करें तो 7 7 49 आता है बीच, मीन्स कि हमारी यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है, इसका मतलब इस टेबल में भी हम एक बार डिवाइड करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये इसको डिवाइड करता है या नहीं। तो 17 से जब हम करते हैं तो पहले कितने पे जाएगा, तो सबसे पहले कितने पे जाएगा, 17 4 28 and 68, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 6 2, अब कितने पे जाएगा 3 पे, 17 3 51 119, तो ये 77 पे जाएगा, 17 7 119 होता है, क्लियर, 0 आ रहा है, इसका मतलब 17 से ये डिवाइड हो रहा है। तो पहला हमारा फैक्टर क्या हुआ 17, तो क्या आ रहा है 17 से डिवाइड करने पर 4 3 7, क्लियर। अब बताइए कितने पे जाएगा, 17 से हो जाएगा, करके देखते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर देखने के लिए हमें क्या करना है, 17 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, अब आगे जाएंगे, अब उसमें भी आपने यही ट्रिक फॉलो करनी है, लास्ट हमारा 7 है तो हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसमें यूनिट प्लेस पे 7 आए। अगर हम 18 लेते हैं, 18 के यूनिट प्लेस में कहीं 8 के जो हमारा टेबल होता है 7 आता नहीं आता, तो 18 के टेबल में नहीं जाएगा। अब 9 लेते हैं, 9 में यूनिट प्लेस पे कभी हम जब इसको डिवाइड करें सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा यूनिट प्लेस, जैसा आएगा 19 3 27 होता है 9 3 ज़ा, तो मीन्स कि यूनिट प्लेस पे 7 आ सकता है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं एक बार चेक, क्या 19 से ये डिवाइड होगा, तो देखिए क्या आएगा, 19 2 ज़ा 38 और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 57, तो 2 पे जाएगा तो 38 आ गया, इसका मतलब यहाँ 5 आ जाएगा, अब ये 3 पे जाएगा 57, क्लियर। तो इसका मतलब फुली ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 19 पे जाएगा, क्लियर, तो कितना आ रहा है 23। अब और कोई टेबल तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि 23 पहले से ही प्राइम नंबर है, तो वो इट सेल्फ होगा 1 और इट सेल्फ होगा उसका आंसर, तो आ गया, ठीक है। अब हमारे क्या फैक्टर्स हो गए, हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं 17 × 19 × 23, दिस इज़ आवर आंसर, क्लियर। होप ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो आपको सोल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताना उसका, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, क्लियर। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।